हेलो दगड़ियों, आप सभी को मेरा प्यार भर पड़ना। मैं सीजल आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे होम टाउन उली गढ़वाल से। और ऐसा कुछ सुबह का माहौल अभी हो रहे हैं, करीब आठ बज रहे हैं और मेरी नींद खुल गई थी यहाँ 6 बजे। 8 बज चुके हैं तो अभी बाहर की साइड आया था और यहाँ देखो अभी भी मैंने हुड डाल दिया। कल तो मैं टी शर्ट में था, मैं इतनी ठंडा हुआ ना। फिर अभी सुबह के टाइम पर देख रहे होंगे आप, बादल लग चुके हैं पूरे और यहाँ रोज़ ही बारिश हो रही है। कल ही थोड़ा धूप निकल रखी थी, वरना यहाँ रोज़ ही डेली बारिश है। तभी ये पूरे देखो हरा भरा जो और ना, ये बरसात के टाइम पे होता है ज़्यादातर। तो अभी तो बरसात आई भी नहीं पर यहाँ बारिश हो रही है, मई से बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने में लगी हुई है। तो ये पूरा हरा भरा और है, सामने के पहाड़ भी देखो और बादल लगे हुए हैं। ठंड ऐसी हो रही है जैसे नवंबर वाली होती है ना ठंड, नवंबर दिसंबर में वैसी ठंड हो रही है। जून के महीने में भी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे। मौसम देखो इतना खतरनाक वाला हो रहा है। ये देखो बाहर का मौसम और सामने लगे हुए आड़ू हमारे पेड़ पे मस्त। ये देखो आड़ू और रखे, अभी तो कच्चे हैं, धीरे धीरे पकेंगे। और अभी चल रहा है नाश्ता, मैगी और रोटी का आनंद ले रहे हैं हम। नाश्ता कर लिया है और अभी जा रहे हैं हम मार्केट तक। मार्केट तो क्या है, यहाँ पे सामने भी आगे दुकान है मलेटी में ही रोड के वहीं पर। और सामान लाना है तो वो मिलेगा शायद बैनोली में या तो नंदा सैन में। तो नंदा सैन में बड़ा मार्केट है तो वहाँ चलते हैं, सामान वगैरह लेके आते हैं। पेंट पुंट का सामान लाना है, वैसे तो पुताई करवानी है ना घर में, तो उसकी बाल्टी बुल्टी वगैरह लानी है और देखेंगे बाकी और क्या क्या चीज़ें लानी है। ऐसे देखो आगे का व्यू, आए थे यहाँ पे नंदासन मार्केट में तो सामान वगैरह ले लिया, पेंट की बाल्टी वगैरह और सब्जी वगैरह लेनी थी तो वो सब ले लिए। और ऐसा कुछ है जैसे मैंने अभी दिखाया, आपने सिनेमेटिक देखा होगा नंदासन मार्केट का। ये देखो ये वाला रोड जाता है नोटी के लिए, ये वाला जाता है मलेटी के लिए और यहाँ से आदि बद्री भी जाते हैं और इधर से जाता है पौड़ी, पौड़ी सतपुली साइड जाता है यहाँ से ये वाला रास्ता। और ऐसा कुछ है मार्केट नंदासन का। तो चलो अब चल रहे हैं घर, क्योंकि सामान तो ले लिया है, फिर मिलते हैं घर जाके। देखो यहाँ बारिश होने लग गई है और बकरियाँ चलने आ रखी हैं। देखो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई तो अंदर चले गए थे हम और अभी यहाँ पे आ रखी हैं बकरियाँ इतनी सारी। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी भी चल रही है देहरादून में। देहरादून में तो कितना गर्म होता, और सामने देखो अंदाज़ा लग रहा होगा कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये और दादी लगी हुई यहाँ साफ़ करने में, घास निकाल रही है इनके बीच में से। ये देखो तो यहाँ पे चल रही है अभी पुताई और बाहर चल रही है बारिश। अगर धूप रहती ना तो बढ़िया रहता, बाहर भी एकदम मस्त चमका देते। तो अभी चल रही है यहाँ पे ऐसे पुताई। थोड़ा सा मौसम खुला था और फिर से बूंदाबांदी पड़ने लग गई। और ये देखो प्रमोशन चल रहा है, प्रमोशन आगे रोड पे नीचे घूमने के लिए। और बारिश रुकी है थोड़ी बड़ी मुश्किल से। अब मेरे साथ आ गया अंशु, आ गया चाचा का लड़का। तो हम इधर थोड़ा व्यू का मजा ले रहे हैं, मेरे पीछे का व्यू देख रहे हो आप कितना मस्त हो रखा है। और बारिश ने आजकल परेशान कर रखा है, परेशान तो क्या कर रखा है, हमारे तो बढ़िया है, हम तो गर्मी से बच रहे हैं। वरना गर्मी हो रही थी देहरादून में बहुत ज़्यादा, यहाँ तो मस्त ठंडा मौसम है। इसको देखो कोट पहन रखा है इसने और टोपी पहन रखी है। और ये देखो नीचे का नज़ारा, ऐसा कुछ बढ़िया हरियाली हो रखी है यहाँ पे घर। और हमारे थे पुराने वाले घर नीचे की साइड, वहाँ पे वहाँ दिख रहे लाइन पे, अब तो टूट टूट गए हैं शायद सारे के सारे। और हरियाली देखो क्या बढ़िया खेत, हमारे खेत भी होंगे इनमें से पता नहीं कौन कौन से, हमें तो पता भी नहीं है। इधर की साइड भी और उधर की साइड भी है, और ऐसा कुछ नीचे नीचे जा रही नदी। देखो अनार के फूल आ रखे हैं और यहाँ पे लग रखे हैं मेलू, और इसको पता है कौन खाता है, इसको खाता है भालू। भालू इसकी खुशबू से इसको ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है और पेड़ में चढ़ के फिर खाता रहता है। यहाँ पर भालू भी बहुत आते हैं, उधर नीचे तो आते भी थे पहले।
इधर आता था भालू, और अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे भैया की शादी थी, तो भैया और आ रखे थे उस टाइम, मम्मी पापा और भैया आए थे बड़े वाले, तो उनको यहाँ पे ये रास्ता जाता है परंसू और के यहाँ के लिए, तो उनको यहाँ पे बाघ दिखा था इसी रास्ते पे, और उनकी साइड बढ़ रहा था तब तक भैया और भाग के स्पीड में इधर घुस गए थे घर में। यहाँ इस साइड पूरा बाघ रहता है, मैंने सोचा दूर होगा बाघ, यहाँ क्या होता है जैसे बाघ की आवाज़ तेज़ आती है ना, तो उसका मतलब होता है एक सिंबल सा है वो, कि अगर बाघ की गुर्राने की आवाज़ तेज़ आ रही है तो वो इसका मतलब दूर है, और आराम से आ रही है तो वो पास है, तो उसकी बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ आने लगी, क्योंकि वो उनको देख के चिल्लाने लगा, इन्होंने सोचा बहुत दूर है। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे ना ये वो खेत से उन्हीं की साइड बढ़ता रहा, और एकदम से बिल्कुल आमने सामने आ गए, तो क्या करा एक जो हरी भैया थे वो तो चढ़ाई में भाग गए, और दीपू भैया डलान में आ गए, जैसे बाघ हरी भैया के सामने पहुँचा वो भी नीचे दौड़ गए एकदम से, फिर घर में आए वो यहाँ से एकदम घर में घुसे तब जाके बचे, वरना निवाला बन गए थे उस दिन बाघ का। फिर सब लोग पापा और आए, आग उग जलानी पड़ती थी तब उसके बाद, तो लट्ठा लुट्ठा लेके गए, तो वो उधर खेत पे जो उधर ऊपर पेड़ दिख रहा है ना वहाँ पे उधर उधर उसकी आँख चमकी लास्ट, फिर वहाँ से ऊपर पहाड़ में चढ़ गया वो, ऐसा ख़तरनाक वाला सीन हो गया था उस टाइम। तो वो देखो वहाँ पे जो खेत है ना वो बहुत ही बढ़िया जगह लगती है, वो एकदम प्लेन माथर है उस गाँव का नाम, और उधर है देवलकोट कच्ची, कच्ची पीने के लिए देवलकोट। सुख और मैं जा रहे हैं आगे की साइड, उधर देखो पूरा पहाड़, इधर से फिर नंदा सेन है जहाँ हम सामान लेने जा रखे थे रोड ही रोड। हाँ ये तो मैं बहुत पहले जा रखा है, यहाँ से पैदल पैदल रास्ता है नंदा सेन का जो स्कूल के बगल में निकलता है फील्ड में। हाँ और ये रोड ही रोड चल रहे हैं हम, यहाँ से अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं गाँव की, जब हम छोटे में आते थे ना जब 4-5 साल के हो गए थे तो तब मम्मी पापा तब लेके आते थे हमें गाँव, तो तब थोड़ा थोड़ा याद रहता है बचपन का, कि 2-2, 3-3 साल में आते रहते थे, तो वो नीचे वाला घर हुआ करता था उस टाइम, और वहाँ से उतरते थे नीचे पैदल। और ये देखो ऐसे ये पूरे खेत थे इधर, आधे हमारे आधे किसी और के आधे किसी और के, ऐसे ऐसे करके उधर वाली पहाड़ी पे भी है खेत हमारे, और उधर भी है, और उधर नीचे की साइड भी हमारे, इधर ऊपर की साइड भी है जहाँ हमारा घर है, उधर भी 3-4 हैं शायद, हमें तो पता भी नहीं है ज़्यादा किधर किधर है, पापा और कोई पता होगा, दादा को पता था पहले सारे खेत के बारे में। ये ऐसे चीड़ के पेड़ पूरे नंदा सेन तक है इतने सारे, और उधर टॉप में भी देखो टावर के वहाँ पे भी चीड़ के पेड़। पीछा करते करते देखो कौन आ रहा, बंदर, 2-2 बंदर आ रहे हैं, काटने भी आते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। वहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, और पहले यहाँ से हम गाड़ी में उतरते थे, और फिर यहाँ से ये नीचे रास्ता जाता था ये वाला, और ये ऐसे पूरा नीचे घूम घूम के फिर वहाँ जाते थे, वहाँ पे आता है एक मंगरा हमारा वहाँ पे है, तो वहाँ पे और नीचे गायों का वो रहता था गौशाला वगैरह, और उधर थे सबके घर लाइन पे, सबके घर टूट गया, बस उधर वाला रह रखा आधा आधा, बाकी सबके टूट गए वहाँ पे लाइन पे, बहुत सारे घर थे। बारिश होगी स्टार्ट और अंसुलिया आया इतने दूर, और यहाँ नीचे बन रखे हैं मछलियों के तालाब बना रखे बहुत सारे, बारिश में ना भीग जाए, हम भागते हुए जाना पड़ेगा वापस। अच्छा 3-4 बन रखे क्या यहाँ पे, बारिश हो रही तेज, हमें दौड़ना पड़ेगा स्पीड में, भीग जाएंगे वरना हम, मेरा तो इतना जुकाम से बहुत खतरनाक वाला नाता है, थोड़ी सी ठंड लगती नहीं कि जुकाम हो जाता है मुझे। ये दोनों घास लेके आ गए, घूमते घामते पहुंच चुके हैं नंदा सेन, और यहाँ आगे पे है नंदा सेन का फील्ड, और मेरे पीछे है इधर नंदा सेन का मार्केट, तो थोड़ा सा इधर आ करके थे, तो चलो अब चलते हैं घर, फिर दिखाते हैं। ये देखो ये जहाँ करी पिक्चर से चौमिन खाते खाते हैं।